आखिरकार बांका जिला वासियों को जिस बात का डर था वही बात हुआ। चांदन पुल का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। बुधवार की सुबह जब लोग चांदन पुल की ओर टहलने को निकले तो उनकी नज़र पुल पर पड़ी तो पाया कि पुल का एक बड़ा हिस्सा धंसकर जमींदोज हो गया है। बताते चले कुछ माह पूर्व भी पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। आनन फानन में अधिकारियों के द्वारा 20 सड़क पर दीवार देकर भारी वाहनों एवं अन्य वाहनों का आवागमन पुल पर बाधित कर दिया गया था। छोटी वाहनों की आवागमन के लिए पुल के नीचे डायवर्जन बनाया गया, लेकिन दो माह पूर्व वह डायवर्जन भी पानी में ढह गया। इस तरह कई क्षेत्रों से ग्रामीणों का बांका से पूरी तरह संपर्क टूट गया है। 22 वर्ष पूर्व भी चांदन नदी के तट पर इस पुल का निर्माण किया गया था। आखिरकार किस वजह से इतनी जल्दी पुल ध्वस्त हुआ, यह जांच का विषय है। और इस मसले पर राजनेताओं की चुप्पी अपने आप में एक सवाल बनकर रह गई है। बांका बस स्टैंड पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सह नगर प्रभारी भोलू पोद्दार के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लद्दाख के गालवन घाटी में चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय सैनिकों की शहादत के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने वीर सपूतों के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण करते हुए वीर सपूतों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष भोलू पोद्दार ने कहा कि वीर सपूतों की शहादत बेकार नहीं जाने दी जाएगी। जिस तरह चीन अपनी कायरता का प्रदर्शन कर हमारे देश के वीर सैनिकों के साथ छिपकर वार किया है, का पूरे देश में पुरजोर विरोध हो रहा है। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा के वरीय नेता चंद्रभानु महतो, गोपाल भगत, हलधर शर्मा, कुंज बिहारी महेंद्र यादव, श्रीधर शर्मा, विजय शर्मा, दिनेश यादव, छोटू शाह समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बांकानगर थाना क्षेत्र के एनएस पार्क होटल में रालोसपा की ओर से एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अंग किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल सिंह के साथ बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता शामिल हुए। मिलन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कोरोना वायरस के बारे में बताया कि कोरोना वायरस के सामने केंद्र सरकार ने हथियार डाल दिया है, जिसमें प्रवासी मजदूर को सुविधा मिलनी चाहिए थी, अपने घर आने का समय था, उस समय सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आज दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही एक प्रेस वार्ता में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार 15 वर्षों में कामगारों को बिहार में काम नहीं दे पाई, आज वो 2 महीने में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 2 महीने के बाद तो सरकार ही नहीं रहेगी, तो कामगारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार क्या देंगे। जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग थे उनकी दुकानों पर 3 महीना तक ताला लग गया। आज भी जिस आर्थिक संकट के दौर से सभी लोग गुजर रहे हैं, यह साइड इफेक्ट है। अब इस साइड इफेक्ट से कैसे लोग बाहर आवे, यह सरकार का दायित्व है। और सरकार के दायित्व को याद दिलाने का काम हमने हमेशा किया है। अभी सबसे बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री जी जब बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे, अपने विभाग के अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुला करके और मीटिंग करके उन्होंने कहा कि आप लोग बताइए कि उद्योग कैसे लगेगा, उद्योगपति कैसे आएंगे, और उद्योग लगाने के लिए अगर कोई नियम में परिवर्तन की जरूरत हो तो उसका भी सुझाव दीजिए। 15 साल में नीतीश जी को यह बात नहीं सूझी कि उद्योग लगाने के लिए क्या उद्योगपतियों को सुविधा चाहिए। अब जब 15 साल पूरा कर चुके हैं, अब अपने अधिकारियों को कह रहे उद्योग लगाइए, हमको रोजगार देना है। अब कहां से रोजगार दे पाएंगे। बांका के अमरपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में अवैध शराब विक्रेता की धरपकड़ के लिए थानाध्यक्ष कुमार सन्नी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान में भागलपुर से विशेष तौर पर डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया था। टीम के द्वारा अमरपुर वार्ड नंबर 10 में ननकू दास, रघु पोद्दार, गौरीपुर के अशोक कापरी, अजय मंडल, श्रीकांत कापरी, इंग्लिश गांव, चोरवय गांव समेत आधे दर्जन विभिन्न गांव में छापेमारी अभियान चलाई गई, लेकिन पुलिस को छापेमारी अभियान में कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम को देखकर शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके पर थानाध्यक्ष ने बताया कि अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ निरंतर छापेमारी अभियान चलाई जाएगी, शराब विक्रेताओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष समेत अवर निरीक्षक विजय शंकर सिंह, सहायक अवर निरीक्षक बीके तिवारी, डॉग स्क्वाड टीम के सिपाही बलराम यादव, अमर कुमार, पवन कुमार, स्थानीय चौकीदार महेंद्र यादव, मुकेश पासवान एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे।
बांका जिला के बराहट मुख्य बाजार में परिसर में ग्रामीण बैंक के समीप अमरेंद्र चौधरी के घर में एक युवक प्रवेश कर गया। स्थानीय लोगों ने चोर समझकर युवक को पकड़ लिया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में युवक की पहचान खरहरा गांव का विक्षिप्त युवक अकबर के रूप में हुई। हालांकि पकड़े जाने के बाद से ही युवक विक्षिप्त सा व्यवहार कर रहा था। युवक घर में घुसकर गोदरेज से सामान निकाल लिया। आवाज सुनकर जब मेरी पुत्री कमरे में गई तो उसे देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर घर के लोग एवं घर के बाहर खड़े लोगों ने उसे पकड़ कर बांध दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर युवक को थाना लाया। प्रभारी थाना अध्यक्ष प्रमोद दास ने बताया कि उक्त विक्षिप्त युवक अकबर काफी दिनों से विक्षिप्त है। बांका जिला के अमरपुर शहर में आए दिन बड़ी व छोटी वाहनों की प्रवेश के कारण जाम लग रही है। जाम से शहर वासियों को दो चार होना पड़ रहा है। हद तो यह है कि इन भीषण जाम में आम लोगों को पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग पर सड़क बन रही है, जिस कारण यह पथ वन वे हो गई है। वन वे होने के कारण आए दिन इन पथों पर बड़ी वाहन एवं छोटी वाहनों की जाम लगी रहती है। तो दूसरी तरफ अमरपुर कजरेली रोड में छोटी व बड़ी वाहन धरल्ले से प्रवेश कर रही है, जिस कारण मेन बाजार में वाहनों की लंबी कतार लग रही है। राहगीरों को पैदल चलने में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बाजार में आए दिन लग रही वाहनों की कतार से आम दुकानदारों में खासी आक्रोश देखी जा रही है। दुकानदार सुभाष कनोडिया, श्याम लहरी, लक्ष्मीकांत भगत, गौरी भगत, हीरालाल कनोडिया, दिलीप कनोडिया, विष्णु कनोडिया, रामनाथ शाह कसेरा, सुमन कसेरा, विनय मिश्र, गोमेश्वर शाह, नकुल मोदी, सुशील पोदार आदि बताते हैं, लंबे अरसों के बाद आम व्यवसायियों की मांग पर शहर में नो एंट्री लगाया गया था, जिसमें कुछ वर्ष तक नो एंट्री बखूबी पालन किया गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद नो एंट्री का खुलेआम उल्लंघन होने लगा। पुनः अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह भाजपा के वरीय नेता मृणाल शेखर ने नो एंट्री का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिस पर नए नियम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री लगाते हुए बड़ी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन वाहन चालक लगाए गए नियम की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम शहर में अपनी वाहन प्रवेश कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि अगर जल्द ही शहर में नो एंट्री के समय बड़ी वाहनों का प्रवेश पर रोक नहीं लगाया गया तो मजबूरन हमें सारे व्यवसाय चरणबद्ध आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मामले को लेकर अमरपुर सुनील कुमार शाह ने बताया कि शहर में नो एंट्री का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अगर वाहन चालक नो एंट्री का पालन नहीं करेंगे तो वैसे चालकों को चिन्हित करते हुए बड़ी कार्रवाई किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा बांका मंडल इकाई द्वारा मंडल अध्यक्ष अर्पित आनंद के अध्यक्षता में शहीदों के लिए ककवारा बाजार में श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीत यादव उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लद्दाख के गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए वीर जवानों के बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। पूरा देश इन शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। मौके पर मौजूद सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीदों के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा युवा मोर्चा की जिला मंत्री सन्नी झा, जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र शाह, विकास तिवारी, जिला अध्यक्ष शशिकांत चौधरी, कौशल झा, सुमित झा, चीकू ठाकुर, जितेंद्र शाह, सिंपल सिंह, अनमोल सिंह एवं अन्य युवा उपस्थित थे। बेलहर थाना क्षेत्र के साहबगंज बाजार में एक मिठाई दुकान के नौकर की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु होने के बाद नौकर के परिजनों की रो रोकर बुरा हाल हो रही है। जानकारी के अनुसार साहबगंज पंचायत की पंचायत समिति सदस्य बबीता देवी के पति का दिलीप मिष्ठान भंडार में निमियन ने ऐसी टोला पिता मुनीश्वर खेरा के पुत्र ईश्वर खेरा काफी दिनों से काम कर रहा था, जो सोमवार को भी अन्य मजदूरों के साथ काम कर रात्रि में खाना पीना खाकर काफी देर तक मोबाइल पर फिल्म देखने के बाद दुकानों में ही सो गया था, जिसके बाद देर रात्रि को एकाएक उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वहां सो रहे अन्य मजदूर में दुकानदार को फोन कर इसकी सूचना दिया। इस पर दुकानदार ने सुबह करीब 4 बजे बीमार मजदूर ईश्वर खेरा को इलाज के लिए बांका ले जा रहा था, इसी क्रम में उसकी मृत्यु रास्ते में हो गई। इसके बाद उसे थाना लाया गया, जहां से पुलिस में सब को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। वहीं इस संबंध में मृतक की मां खेसिया देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर अपने पुत्र ईश्वर खेरा की मृत्यु मिठाई दुकान में रहने के क्रम में एकाएक बीमार होने से इलाज कराने के लिए ले जाने के क्रम में होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है। संबंध में थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मिठाई दुकान में रह रहे मजदूर की मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी मौके द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत कुछ भी कहा जा सकता है। वहीं स्थानीय ग्रामीण के अनुसार मृतक मजदूर ईश्वर खेरा अपने 4 बहनों में इकलौता भाई था, जिसकी कमाई से ही उसके घर में सभी का जीवन यापन चल रहा था। इसकी मृत्यु के बाद मां एवं 4 बहन बेसहारा हो गई है, क्योंकि पिता की दिमागी स्थिति भी सही नहीं रहती है। मंगलवार को रजौन पुलिस ने रजौन प्रखंड स्थित वामदेव गांव में लीकर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की।
जिसमें भारी मात्रा में 28 लीटर देसी शराब बरामद किया। डॉग स्क्वाड को देखकर शराब तस्कर में हड़कंप मच गया। रजौन थाना प्रभारी नीरज तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बामदेव गांव में डॉग स्क्वाड टीम के साथ छापेमारी के क्रम में बामदेव निवासी इंद्रदेव बिंद के घर से 10 लीटर देसी शराब बरामद हुआ, लेकिन पुलिस को देखते ही तस्कर फरार हो गया। अरुण बिंद के घर से 10 लीटर देसी शराब बरामद हुआ, जहां से एक महिला पिंकी देवी को गिरफ्तार कर रजौन थाना लाया गया। और बामदेव निवासी सूरज बिंद के घर से 8 लीटर देसी शराब बरामद किया गया, लेकिन तस्कर फरार हो गया है। इस छापेमारी में पिंकी देवी को गिरफ्तार कर बकात जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार अन्य शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।